नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 15 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। एमसीक्यू आधारित होंगे, टॉप 20 के प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में भारत का 74वां ग्रांड मास्टर बना है? ऑप्शन एक विदित गुजराती, ऑप्शन दो आर प्रज्ञा नंद, ऑप्शन तीन राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन चार विश्वनाथ आनंद। तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीन, राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रांड मास्टर बने हैं। ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है, बिल्कुल 74वें ग्रांड मास्टर जो बने हैं वो बने हैं राहुल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, जून 2022 में क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैम्पियनशिप से प्रो सर्किट वर्ल्ड स्कूनर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास किसने रचा है? ये भी ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है, जो इतिहास रचा है क्या सुरेश दहिया ने रचा है, ऑप्शन दो विश्व कुमार ने, या ऑप्शन तीन दीपक सिंह ने, ऑप्शन चार हिमांशु जैन ने। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर है ऑप्शन चार, हिमांशु जैन ने स्कूनर के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीन तकनीकी का लाभ उठाने के लिए रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन एक पीएम नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन दो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ऑप्शन तीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने, ऑप्शन चार अश्विनी वैष्णव ने। तो इसका उत्तर है ऑप्शन चार, अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ये भी ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। हमारे 20% ट्रिपल स्टार वाले होंगे, बिल्कुल वीडियो को कंपेयर जरूर करें आप किसी भी करंट अफेयर से। तो अगला प्रश्न है, NESDA नेस्डा 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ई गवर्नेंस सेवा के वितरण में भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन दो चंडीगढ़, ऑप्शन तीन जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन चार पांडिचेरी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीन, जम्मू और कश्मीर नसेड़ा 2021 में टॉप पर है। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन एक 10 मार्च को, ऑप्शन दो 14 मार्च को, ऑप्शन तीन 30 मई को, ऑप्शन चार 14 जून को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन चार, 14 जून को हर साल विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और खालिस्तान की नौसेना ने 13 जून 2022 से अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में 11 दिवसीय समन्वित गश्ती कॉर्पेट शुरू किया है? ये भी ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है। तो यह सिंगापुर ऑप्शन एक है, ऑप्शन दो है मलेशिया, ऑप्शन तीन है थाईलैंड, ऑप्शन चार है इंडोनेशिया। तो इसका उत्तर है भारत और इंडोनेशिया ने कॉर्पेट युद्धाभ्यास किया है, जो कहाँ किया है अगर पूछें तो किया कहाँ गया है, अगर इसके बारे में पूछा जाए तो यह युद्ध अभ्यास अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू के मध्य हुआ है। कहाँ? अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू के मध्य कॉर्पेट युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है। ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, जून 2022 में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? ऑप्शन एक सेली सिंह, ऑप्शन दो मनप्रीत कौर, ऑप्शन तीन डोनाल्ड मकी मायराज, ऑप्शन चार ऐश्वर्या बाबू। तो इसका उत्तर है ऑप्शन चार, ऐश्वर्या बाबू ने चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर्जातीय एथलेटिक मीट में महिलाओं की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। ये भी प्रश्न ट्रिपल स्टार वाला है। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया
ऑप्शन एक हरियाणा, ऑप्शन दो महाराष्ट्र, ऑप्शन तीन उड़ीसा, ऑप्शन चार कर्नाटक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन एक हरियाणा में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम, और इसमें हरियाणा ही टॉप पर रहा है, पहले नंबर पर हरियाणा रहा है। ये हरियाणा के सीईटी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑप्शन एक, ऑप्शन दो चीन, ऑप्शन तीन जापान, ऑप्शन चार कनाडा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन चार कनाडा ऐसा देश बना है जिसने प्रत्येक या हर सिगरेट पर मुद्रित चेतावनी लागू की है। तो अब हम अगला प्रश्न जान लेते हैं। प्रश्न है, मई 2022 में कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। ये ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न हो जाता है, ये भी ट्रिपल स्टार है भाई, मैं इसे ट्रिपल स्टार दूंगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति वाला या आपूर्तिकर्ता जो बना है। ऑप्शन एक रूस बना है, ऑप्शन दो ओवान बना है, ऑप्शन तीन वेनेजुएला बना है, ऑप्शन चार ईरान बना है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन एक रूस बना है। तो अगला प्रश्न जान लेते हैं, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है। ऑप्शन एक समय, ऑप्शन दो योद्धा, ऑप्शन तीन अजय युवा, ऑप्शन चार अग्निपथ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन चार अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के युवाओं की भर्ती के लिए। अगला प्रश्न है, जून 2022 में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ऑप्शन एक जर्मनी, ऑप्शन दो इटली, ऑप्शन तीन स्पेन, ऑप्शन चार स्विट्जरलैंड। तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीन स्पेन। अगला प्रश्न, भारतीय ड्रोन नियम 2022 के तहत किस ड्रोन कंपनी का पहला टाइप सर्टिफिकेट दिया गया। ऑप्शन एक इन्फो एज इंडिया, ऑप्शन दो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, ऑप्शन तीन रतन इंडिया इंटरप्राइजेज, ऑप्शन चार आई ओ टेक वर्ल्ड एविगेशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका उत्तर है ऑप्शन चार आई ओ टेक वर्ल्ड एविगेशंस प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी बनी है जिसने टाइप सर्टिफिकेट दिया है भारत ड्रोन नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, जून 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। ऑप्शन एक भारत संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन दो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ऑप्शन तीन भारतीय एयरटेल लिमिटेड, ऑप्शन चार रिलायंस जियो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीन भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय ने मुफ्त डिजिटल और जीवन कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए इंफोसिस के साथ भागीदारी की है। ऑप्शन एक प्रिंसटन विश्वविद्यालय, ऑप्शन दो कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑप्शन तीन येल विश्वविद्यालय, ऑप्शन चार हार्वर्ड्स विश्वविद्यालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन चार हार्वर्ड्स विश्वविद्यालय ने इंफोसिस के साथ भागीदारी की है मुफ्त डिजिटल और जीवन कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न, किस क्रिकेटर ने जून 2022 में भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर के 10,122 रनों के टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन एक चेतेश्वर पुजारा, ऑप्शन दो स्टीव स्मिथ, ऑप्शन तीन डेविस वार्नर, ऑप्शन चार जॉस रूट। तो इसका उत्तर है ऑप्शन चार जॉस रूट। मैं आपको बता देते हूँ कि ये सभी प्रश्न हमारे ट्रिपल स्टार वाले हैं, हम 20% पर डे करते हैं। वीडियो को आप कंटिन्यू देखें और आप करंट अफेयर की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसान योजनाओं के लिए फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ऑप्शन एक बिहार ने, ऑप्शन दो गुजरात ने, ऑप्शन तीन कर्नाटक ने, ऑप्शन चार गोवा ने। तो इसका उत्तर है ऑप्शन तीन कर्नाटक ने फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, मई 2022 के लिए आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है। ऑप्शन एक हार्दिक पांड्या, ऑप्शन दो संजू सैमसन, ऑप्शन तीन डेवाल्ड वेविस, ऑप्शन चार एंजेलो मैथ्यूज़। तो इसका उत्तर है ऑप्शन चार एंजेलो मैथ्यूज़ को
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है मई 2022 के लिए। ये रहे हमारे आज के करंट अफेयरों के प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमारी एक और सीरीज चली हुई है डेली करंट न्यूज़ के नाम से, उसे भी आप देखना ना भूलें। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रतिदिन ज़रूर देखा करें वीडियो को। 20% हम पर डे लाते हैं करंट अफेयर के, जो ट्रिपल स्टार वाले होते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।